गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शुक्ला मैडम एसकेजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं बताऊंगी कि प्रथम विश्व युद्ध जहाँ मानवता के विनाश के लिए उत्तरदायी था, वही प्रथम विश्व युद्ध भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण लाखों लोगों की जानें गई थी, इससे लोग इस युद्ध से घबराए हुए थे, लेकिन भारत में इसका कुछ अच्छा असर हुआ। जैसे पहला कि करों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय एकदम बढ़ गया, जैसे युद्ध का सामान। इस व्यय को पूरा करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने करों में वृद्धि कर दी, सीमा शुल्क नाम का और आयकर नाम का एक नया कर लगा दिया। इससे जनता में बहुत ज्यादा क्रोध की भावना पनपी और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में अपना योगदान दिया। दूसरा पॉइंट आता है कीमतों में वृद्धि। रक्षा व्यय में वृद्धि के कारण देश के कारखानों में युद्ध का सामान बनने लग गया, इसीलिए खाने पीने की जो चीजें थी वो बहुत कम थी और खाने पीने की चीजों की कीमतें दुगनी हो गई। एक गरीब व्यक्ति खाने पीने की चीजें भी ठीक ढंग से नहीं खरीद पा रहा था, इसीलिए कीमतों में वृद्धि के कारण भी सभी लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने इस आंदोलन राष्ट्रवाद रूपी आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। सिपाहियों की जबरन भर्ती। जब सेना में प्रथम विश्व युद्ध में जब सेना में बहुत सारे सिपाही मारे गए, तो अंग्रेजी सरकार ने गांव के लोगों को, यहाँ तक कि किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर दिया। और वो नहीं चाहते थे कि हम सेना में जाएं, लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये गांव के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर रहे हैं, तो लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ रोष पैदा हुआ। भारतीय उद्योगपतियों का रोष। विदेशी कंपनियां भारत में आकर पैसा लगा रही थी और उनके पास ज्यादा पूंजी थी, इसीलिए वो अधिक से अधिक कारखाने लगा रही थी और भारत के उद्योगपतियों का काम धंधा ठप हो रहा था। उद्योगपतियों ने सोचा कि जो भी बाहर से आ रहा है उस पर कस्टम ड्यूटी या आयात कर लगाया जाए, तो उन्होंने सरकार से मांग की, लेकिन अंग्रेज सरकार इस बात से नहीं माने, इसीलिए उद्योगपति भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। तीसरा पॉइंट है मजदूरों तथा दस्तकारों में रोष। महंगाई बढ़ने के कारण मजदूर तथा दस्तकार भूखे मरने लगे और उन्होंने सोचा कि अगर भूखे मरना है तो हम गुलाम बनकर क्यों मरें, हम अपने भारत की आज़ादी के लिए लड़ें और स्वतंत्र भारत में ही हम मरें। इसके लिए उन्होंने शहीद होना भी स्वीकार कर लिया और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध से जहां बहुत ज्यादा जनधन की हानि हुई, वहां भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आई, लोग मिलजुल गए और उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। धन्यवाद।